वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से पहले मिल जाए। ज़ारा नूर अब्बास का शुमार इस वक्त पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा में होता है और इनकी फ़ैन फॉलोइंग में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अगर इनके इंस्टाग्राम हैंडल की बात करें तो इस पर इनके कुल 5.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं और ज़ारा नूर अब्बास को सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स मिले हैं। अपने ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम से शोहरत हासिल की। इसके अलावा वो मोमिना दुरैद की खामोशी में अरसला के किरदार के लिए बहुत मशहूर हैं। इन्होंने सीरियल धड़कन, लम्हे, कैद, दीवार शब, अहद वफा में भी अदाकारी की है और फांसी इनका ड्रामा अभी जो ख़त्म हुआ है। वाज़ह है कि ज़ारा नूर अब्बास बस स्टाइल अदाकारा असमा अब्बास की बेटी हैं। वो पाकिस्तान की नामवर अदाकारा बुशरा अंसारी की भांजी हैं। जो लोग नहीं जानते, ज़ारा नूर अब्बास ने असद सिद्दीकी के साथ साल 2017 में शादी की थी। वो दोनों इस वक्त एक साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़ारा नूर अब्बास अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक्टिव रहती हैं। ज़ारा नूर अब्बास के शौहर असद सिद्दीकी ने इंकशाफ किया है कि जोड़ा इस साल अपने पहले बच्चे की तवक्का कर रहा था, लेकिन एक ऐसा अफसोसनाक मंजर पेश आया जो कि अब जब भी याद करें तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है। आपको बताते चलें, कुछ अर्सा पहले ज़ारा नूर अब्बास प्रेग्नेंट थीं और उनका 6 माह का बच्चा जो मिसकैरेज हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात से दुख पहुंचा दोनों मियाँ बीवी को, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद उनको औलाद की नेमत से अल्लाह ताला नवाज रहा था, लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो ज़ारा नूर अब्बास ने असद सिद्दीकी के साथ 2017 में शादी की थी और वो 2021 में ही हमला हुई थी। बदकिस्मत है, इन्होंने अपना बच्चा खो दिया जब ज़ारा सिर्फ 6 माह की हमला थी। वो बहुत जज्बाती हो गए, एक माँ के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। लेकिन ज़ारा नूर अब्बास को देखें, वो कितनी प्यारी और मज़बूत हैं और डिप्रेशन का शिकार भी हुई, लेकिन अब ज़ारा नूर अब्बास का शुमार दुनिया की बेहतरीन अदाकारों में होता है। हाल ही में ज़ारा नूर अब्बास ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीर अपलोड की हैं जिस पर वो इन्हें खूब ज़्यादा पसीराई मिल रही है।